नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साइंस हब यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे 12th का अध्याय फर्स्ट में हमने एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ा, इसके इम्पोर्टेंस और इसको क्या क्या है ये पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा था सोइल का चैप्टर, सोइल में सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा था कौन कौन से कारक है जो सोइल फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं और कौन से ऐसे कारक है जो सोइल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, सोइल इरेजन, मृदा क्षरण और मृदा संरक्षण। मृदा क्षरण किसे कहते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी शक्ति जैसे जल या वायु द्वारा अपने स्थान से मृदा का हटकर अन्य स्थानों पर चले जाना मृदा क्षरण कहलाता है, तथा इस मृदा में जो मृदा क्षरण से हानि होती है इससे बचाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं इसे कहते हैं मृदा संरक्षण। आज हम पढ़ेंगे मृदा क्षरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी शक्तियां इसको प्रभावित करती है, कौन कौन सी शक्तियों द्वारा होता है। आज हमारा पार्ट 6 है, मृदा क्षरण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक क्षरण और एक हो जाएगा त्वरित क्षरण। दोस्तों प्राकृतिक क्षरण में क्या होता है, वनस्पति से ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा जल द्वारा लगातार और धीरे धीरे जो क्षरण होता है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक क्षरण। यह क्षरण मृदा निर्माण में मृदा विनाश की क्रियाओं में सदैव समय देता है, मानव इसे पूरा या भरपाई नहीं कर सकता, मानव इसे नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि जितनी मृदा का कटाव होता है उतनी ही मृदा का पुनः निर्माण हो जाता है, इसलिए मानव को इसमें जो भी मृदा में हानि होती है उस हानि का आभास नहीं होता है। एक बार पुनः देखो दोस्तों, वनस्पति से ढकी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा तथा जल द्वारा लगातार और धीरे धीरे क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। यह क्षरण मृदा निर्माण में विनाश की क्रियाओं में सदैव साम्य रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम त्वरित क्षरण, त्वरित क्षरण किसे कहते हैं, दूसरा टाइप है, दो ही टाइप के होते हैं। जब भूमि की वनस्पति को पशुओं द्वारा चराकर खोदकर या जुताई करके जोतकर समाप्त कर दिया जाता है तो भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है और इस वनस्पति विहीन भूमि पर पानी या हवा का वितन यानी प्रवेश द्वारा अलग होने से होने की गति मृदा निर्माण से कहीं ज्यादा होती है, इस प्रकार के क्षरण को त्वरित क्षरण कहते हैं। दोस्तों प्राकृतिक क्षरण बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था, जितनी मृदा का विनाश क्षरण के द्वारा हो रहा था उतनी ही पुनः निर्माण हो जाता था, लेकिन त्वरित क्षरण में क्या होता है, बहुत तेजी से होता है, इसकी भरपाई मृदा के पुनः निर्माण से नहीं होती है, इसलिए इसे त्वरित क्षरण कहते हैं। ये हो गए क्षरण के दो प्रकार। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बड़े क्वेश्चनों में स्टार क्वेश्चन बनता है कि मृदा क्षरण कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से शक्तियों द्वारा होता है, इसे विस्तारित वर्णन कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके डिफरेंस टाइप पढ़ने के बाद में हम बात करते हैं मृदा क्षरण की कौन कौन सी शक्तियां है। मृदा क्षरण की दोस्तों दो शक्तियां है, जल और वायु, जल द्वारा क्षरण और वायु द्वारा क्षरण। जल द्वारा जो क्षरण होता है उसे जलीय क्षरण कहते हैं तथा वायु द्वारा क्षरण होने वाले को वायवीय क्षरण कहते हैं। जल क्षरण के कौन कौन से प्रकार या कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, दोस्तों इसकी चार अवस्थाएं हैं। सबसे पहली बोचारी, दूसरी परत, तीसरी गीले और चौथी अवनालिका। दोस्तों बात करते हैं हम बोचारी क्षरण या स्प्ले क्षरण, इसको आपको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ नाम देखना है, इधर बोचारी, इधर परत, इधर डीले, इधर अवनलिका। बोचारी बरसात के स्टार्ट में बोचार गिरती है, बरसात के स्टार्ट में ही बोचार गिरती है, यह मृदा
सरण की प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद की बात करें, जब वर्षा की बूंदे जमीन पर, यानी पहली वर्षा, पहली बौछार जब वर्षा की बूंदे जमीन पर गिरती है, तो मृदा के कण मूल स्थान से छिन्न भिन्न कर देती है या अपने स्थान से हट जाते हैं। उसमें एक गड्ढा बन जाता है, कटोरीनुमा छोटा गड्ढा, वो उस शरण को क्या कहेंगे, बोचारी शरण, यानी बोचार गिरने से जो मृदा में पानी होती है उसे कहते थे बोचारी शरण। नेक्स्ट बात करते हैं हम परत शरण। दोस्तों नाम देखो, परत शरण, बोचारी शरण, धीरे धीरे पानी जब भूमि से बहता है तो उसमें बोचार परत जब बहता है तो उसे मृदा की ऊपरी सबसे ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहाकर नीचे वाले स्थानों पर ले जाता है, इसे कहते हैं परत शरण। इसमें मृदा उर्वरकता की दृष्टि से सबसे अधिक हानि होती है। देखो दोस्तों, बूंदों द्वारा कणों के बिखरने के पश्चात, यानी बोछार शरण के पश्चात, वर्षा का जल पूर्ण सतह पर मिट्टी की पूर्णतः यानी ऊपरी सतह को अपने साथ बहा ले जाता है। इस प्रकार खेत की उपजाऊ मृदा की ऊपरी तह समान रूप से खेत में बह जाती है, इसे क्या कहते हैं, परत शरण। ये हो गई आपके परत शरण की डेफिनेशन। नेक्स्ट है, ये शरण आंखों से तो दिखाई नहीं देता है लेकिन सबसे सर्वाधिक शरण है। ये शरण आंखों से दिखाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि इसमें समान तह बह जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिले शरण। रिले शरण क्या है, यह शरण है जो परत शरण का बढ़ता हुआ रूप है या परत शरण के आगे की अवस्था है। ढलान की ओर अंगुलियनुमा नालियां, छोटी छोटी नालियां बन जाती है और जिसे किसान आसानी से उसकी भरपाई कर सकता है थोड़ी जुताई करके या अन्य भू परिष्करण क्रियाएं करके। ये हो गया रिले। नेक्स्ट बात करते हैं अवनालिका शरण। ये इस शरण में क्या होता है कि जब रिले शरण में जो भी नालियां बनी है अंगुलिनुमा तथा छोटी छोटी, वो नालियां अवनालिका शरण में अधिक गहरी तथा अधिक चौड़ी हो जाती है। ये सर्वाधिक भयंकर शरण है, क्यों, क्योंकि इसे किसान आसानी से या हल्की जुताई करके भरपाई नहीं कर सकता। यह चंबल नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। दोस्तों एक बार पुनः ध्यान दो, चार प्रकार के जलीय शरण है। पहला बोचारी परत, रिले और अवनालिका। बोचारी में सबसे पहली बोचार की बूंदे गिरती है, उन बूंदों में जो कण है मृदा के वो अपने स्थान से छिन्न भिन्न या इतर बितर हो जाते हैं। इसके बाद है परत शरण। परत शरण में धीरे धीरे पानी भूमि की ऊपरी सतह से बहता है, मृदा उर्वरकता की एक परत समान रूप से अपने स्थान और स्थान से हट जाती है। इसके बाद है रिले शरण। रिले शरण में छोटी छोटी अंगुलीनुमा नालियां बन जाती है और इसकी भरपाई किसान आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट है अवनालिका शरण। अवनालिका शरण रिले शरण का बढ़ता हुआ रूप है। इसमें रिले शरण में जो नालियां बनी है वो अधिक गहरी और अधिक चौड़ी हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वायवीय शरण, वायु द्वारा जो शरण होता है वायु शरण। इस ये कितने प्रकार का है, कौन कौन से कारक इन्हें प्रभावित करते हैं और इन्हें इस शरण को किस तरह रोका जा सकता है। थैंक यू दोस्तों।